बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायका के सिवा कोई हिस्बाकी न थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का, रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया, आंखें, हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफी न होती या बाजार से कोई चीज आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती थी और उनका रोना महज बिसुरना ना था। वो बवाज बुलंद रोती थी। उनके शौहर को मरे हुए एक जमाना गुजर गया। सात बेटे जवान हो होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कल्बी डिपो के दलालों के सब्ज बाग थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपए से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुद्ध राम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तब की उनकी जेब पर कोई आंच न आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी न खुलती थी जितनी बुद्ध राम की नेकी। बुद्ध राम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ, और अगर जबान तस्कीन या तशरवीज के सूरत हाल में कुछ इसलाह हो जाती या हो सकती तो उन्हें मुतलक दरेगना होता, लेकिन मजीद खर्च के खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उसके बरक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और गुड़ी काकी अपना नाम बेहंगाम शुरू कर देती तो वो आग हो जाते थे और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते थे। लड़के जिन्हें बुढ़ों से एक बुग्स अल्लाह होता है, वालदेन का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दिक करते। कोई चुटकी लेकर भगाता और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती हैं, इसलिए उनके कोई नालो फरियाद पर ध्यान न देता था। वहां अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियां देने लगती तो रूपा मौके वारदात पर जरूर आती। इस खौफ से काकी अपनी शमशीर जबानी का शाज ही कभी इस्तेमाल करती थी। हालांकि रफा शर की ये तकबीर होने से ज्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुद्ध राम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मलजा था और अग्रचे काकी की पना उनकी मुआनिदना सरगर्मी के बाइस बहुत गिरा पड़ती थी। लेकिन भाइयों के दस्ते तातवुल से बदर जहां काबिले तरजीह थी और मुनासिब अग्रज ने उन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था। बुद्ध राम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जमे गफीर निगाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पे मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकिया लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खड़ा मुकब्बित सुन रहा था और बात सुखन फहम मेहमान की वाह वाह से ऐसा खुश होता था गोया वही इस दाद का मुस्तहक है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान उन बेहदुगियों से बेजार थे। वो इस दहकानी मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान से खिलाफ समझते। आज बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूर रात गा रही थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ थी। भट्टियों पे कड़ाही चढ़े हुए थे, एक में पूरियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में समोसे और पीड़ा केन बनती थी। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इश्तहाक अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी।
बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याल गम की तरह बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पुड़िया ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए, मेरे लिए कुछ ना बचा। ये सोचकर उन्हें बेइख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो ना सके। आहा, कैसी खुशबू है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियां ही के लाले हैं तो ऐसे नसीब कहां कि पूड़ियां पेट भर मिलें। ये सोचकर उन्हें फिर बेइख्तियार रोना आया, कलेजे में एक फूंक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रही। घी और मसाले की खुशबू रह रहकर दिल को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पुड़ियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लौंडे रोज दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं अता पता नहीं है। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी जी के चश्मे ख्याल में पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कहार के सामने ही बैठ जाऊं। पूरियां छन छन कर करके कहार से उतरती रही। कहार की गर्मा गर्म निकल कर कटोते में रखती जाती होंगी। फूल कर हम घर में ही सूंघ सकते हैं, लेकिन सैरे बाग का कुछ और ही लुफ्त है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगते हुए कढ़ाई के पास आ बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासीमी की हालत में कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देनी होगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकालने का मौका ना पाया था। खौफ होता था कहीं पड़ोसी ने यह ना कहने लगे, कितने में ही उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका हल्क सूखा जाता था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। ये भी अंदेशा था कि अगर निगाह पलटी और चीजों की लूट मची। इस कश्मकश के आलम में उन्हें बूढ़ी काकी की कढ़ा के पास बैठ देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका तो ख्याल न रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं। दिल में क्या कहेंगी, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, जैसे मेंढक कछुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथ से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं को भोग तक नहीं लगा, अब तक सब्र न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। नीच ऐसी जीभ दिन भर खाती न रहती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं बाती, तभी तो इस तरह बौखलाए फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायन मरे न मौजा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवाकर दम लेगी, इतना ठूंसती है, जाने कहां से भस्म हो जाता है। ये भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगे तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दें। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुवतें, सारे जज्बात, सारी हैसियत एक तरफ रुजू हो गई थी। जैसे नदी में जब कहाड़ का कोई बड़ा टुकड़ा कट कर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमट कर उस खला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे।
औरतों ने ज़ेवनार गाना शुरू किया। मेहमानों के नाई और खिदमतगार भी इस जमात के साथ पर जरा हटकर खाने बैठे हुए थे, लेकिन आदाब मजलिस के मुताबिक जब तक सबके सब खाना चुके कोई उठ न सकता था। दो एक मेहमान तो जरा तालीम याफ्ता थे, खिदमतगारों की पर खोरी पर झुंझला रहे थे। वो इस कैद को बेमानी का माहौल समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहां से कहां गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो ये है कि जब मेहमान खा ना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कि कोई ना बुलाने आएगा ना जाऊंगी। दिल में यह फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी, लेकिन घी की मुर्गी खुशबू बहुत सब्र आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बिज गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए, ज़ेवनार गाया जा रहा है। ये सोचकर बहाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे, किसी की बोल चाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना कि ना बुलाए, सोचती हो कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुलाकर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये यकीन कि अब उन्हें लम्हे में पूड़ियां मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी, और उनके हुस्न जायका को गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे इन्हें लिहाज नहीं है, क्या करें। इतने दिनों के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही बैठ जाऊंगी। वो उकड़ू बैठ कर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आ गई। मगर वाय किस्मत, इश्तियाक ने उनकी पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाजा किया था। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कोई कंखियों से देखता था कि और लोग भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि तेल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान चटकारता था, लेकिन दूसरा शकुर लिफ्ट मांगते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती भी उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, आवाजें आईं, अरे ये कौन बुढ़िया है, देखो किसी को छू मत लेना। पंडित बुधराम काकी को देखते हुए गुस्से में तिलमिला गए। पूड़ियों की थाली खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपनी किसी नादिहन मगरूर आसामी को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटता हुआ लाकर उन्हें इस अंधेरी कोठरी में दम से गिरा दिया। आरजुओं का सब्ज बाग लू करके झोंके में वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुधराम व रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का तस्विया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूरे अकल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत उंस था, बेचारी भोली सीधी लड़की थी, तिफलाना शोखी और शरारत की उंस में बू तक न थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं दे देते, क्या मेहमान सबके सब थोड़ी खा जाएंगे, या अगर काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां मुतलक ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद करके रखी थी। वो ये पूड़ियां काकी के पास ले जाना चाहती थी, उसका दिल बेकरार हो गया था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ जाएंगी। पूड़ियां देखकर
कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने ही रखी। अब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं, तो उसे चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजा वाले नीम के दख्त की तरफ गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी दो मुंह की गदा सब साफ नजर आती थी। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढारस हुई। कोई सोते हुए आदमियों की बदनसीबी कि जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज्यादा तकलीफ का बाइस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े। फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाई लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वे बेहोश हो गई। जब उनके होश बचा हुए तो किसी की जरा सी भी आहट न मिलती थी। समझ गई सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है या किसी ने मेरी सुध ना ली? क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा? उन लोगों को इतनी दया भी नहीं आती कि इतनी सी बुढ़िया न जाने कब मर जाए। उसका रोया क्यों दिखाएंगे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि कुछ और? पर ये हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सूझे न बूझे। अगर आंगन में चली गई तो क्या बुधराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं? फिर आना, मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए और इतनी दुर्गत करके भी उनका पत्थर का कलेजा ना बसी जा। सबको खिलाया, मेरी बात न पूछी। जब ही ना दिया तो मैं क्या देंगे? ये सोचकर मासूमिया सब्र के साथ लेट गई। रिक्कत से गला भर भर जाता था, लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से रोती ना थी। यकाएक उनके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचानी, चट पर उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फक्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूड़ियों ने काकी की इश्तहा और रगबत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो अम्मा मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। दिल महसूस रहा था, और पूड़ियां कैसे खाऊं? सब्र का बांध जब टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को जरूर से याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज न रही। वो कुछ देर इस ख्वाहिश को रोकती हैं। यकाएक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां से चलो, और मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनकी मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्थरों के पास बैठा दिया और गरीब भूख की मारी फातिरुल अकल बुढ़िया पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वही इतना लजीज था। सालन कितना मजेदार, कचौड़ियां कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ते और नरम। काकी फुतूर अकल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूँ। लेकिन बुढ़ापे के हिर्ज मर्ज का आखिरी दौर है, जब सारे हवास एक ही मरकज पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी में ये मरकज उनका हुस्न जायका था। एन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चूंकि चारपाई की इधर उधर ताकने लगी कि
कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी? उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडी छोटे पत्थरों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्थरों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन से हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होती वही उसी वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का झूठा पत्थर टटोले, इससे इब्रतनाक नजारा नामुमकिन था। पूड़ियों के चंद रुकनों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा रखी और फकीर फेजल कर रही है, ये वो नजारा था जिसे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया का कोई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा ना आया, इब्रत के सामने गुस्से का जिक्र किया, दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। इस धर्म और पाप का इल्जाम किस पर है? उसने सदे के दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सजा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नजर न आई थी। हाय मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपए साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत तो मेरे कारण। हे ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुना हुआ है, मुझे माफ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया और मैं उनकी शारी की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपनी तारीफ के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस तकरीब के दिन भी पेट भर कर खाना ना दे सकी, महज इसलिए कि ना कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजबान है। उसने चराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाजा खोला और एक थाली में खाने की सब चीजें सजा कर वे बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी, आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्त नए अमृत सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को वो मरसत न हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा न मानना, परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता मुआफ कर दें। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयां पाकर मार और घुड़कियां सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी ये कहानी रूहानी नजारा देख रही थी। बूढ़ी काकी मानवीय भावना से ओतप्रोत की कहानी है। इसमें उस समस्या के उठाया गया है जिसमें परिवार के बाकी लोग घर के बुजुर्गों से धन दौलत लेने के लिए उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। इतना ही नहीं, उनका तिरस्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता है। इसमें भारतीय मध्य वर्गीय परिवारों में होने वाली इस व्यवहार का विभेद चित्र उकेरा गया है।